श्री वृंदावन बाल विकास परिषद के तत्वावधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में केशव नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में बालिका गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 6 बेटियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट क्षमता के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में स्वामी महेशानंद सरस्वती ने कहा कि बेटी पढ़ाओ और समाज व राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, इसी भावना के साथ हम अपनी बालिकाओं को जीवन को सुखमय एवं शांतिमय बना सकते हैं। वहीं मुख्य अतिथि कृष्ण कुटीर महिला आश्रम सदस्य प्रशासनिक अधिकारी शिल्पा मुरगई ने कहा कि हर कोई बालिका किरण बेदी, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई हो सकती है। यदि बालिकाओं में अपनी क्षमता व योग्यता को समझें तो वो इतिहास लिख सकती हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि जयदेव सरकार ने कहा कि हमारा भारत देश तो पूरे विश्व में माँ शक्ति की आराधना के लिए जाना जाता है। भारत को दुर्गा शक्ति, सावित्री, पन्नाधाय जैसे व्यक्तित्व के लिए माना जाता है। सम्मानित अतिथि सज्जन अधीक्षक वीरा देवी ने कहा कि बालिका ही समाज व समाज का परिचालक होती है, बेटियों के बिना सृष्टि का भी कोई अस्तित्व नहीं है। वहीं अध्यक्षता करते हुए शिक्षा विभाग अमरनाथ गोस्वामी ने कहा कि बेटियां शक्ति हैं, बेटियां विनम्र हैं, बेटियां अभिमान हैं, बेटियां शान हैं। इस सोच के साथ अब भारतीय समाज के लोगों को आगे बढ़ना होगा। इससे पूर्व समारोह में ऋतु सिंह व कनिष्का मेधावी, छात्रा नेहा सिंह को अनुशासन, सुजैन से नृत्यकला, पूनम को गायन एवं चंचल को 100% उपस्थिति के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। वृंदावन से खबर एक्सपर्ट के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। आज 24 जनवरी को जो बालिका दिवस समारोह होता है, यहाँ उसके लिए जो बालिकाओं को उनको प्रोत्साहन करने के लिए बाल विकास परिषद की तरफ से यहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर में कुछ बालिकाओं को उनके कैलिबर से जो है उनको सम्मानित किया गया है। आज यहाँ पे ये बाल विकास परिषद का बहुत अच्छा जो है मुहिम था जो उन्होंने किया है। इनको आगे भी ये सारे कार्य जो वो करते रहते हैं और आगे भी इनको भगवान इतनी तरक्की दे कि ये सबको और भी इस तरह से अग्रसित करें सब इन तीन चीज़ों में। और ये बहुत अच्छा प्रयास है जो यहाँ पे आज सब लड़कियों को सम्मानित किया गया। इससे क्या है कि दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होंगे। विद्यालय में बाल क्या राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं को सम्मानित किया गया। अनुशासन, किसी बालिका को पूरे विद्यालय में अनुशासन के संबंध में, किसी को नृत्य के संबंध में, किसी को गायन के संबंध में, और ये सम्मान बाल विकास परिषद की ओर से किया गया है जो अन्य संस्थाओं के लिए अनुकरणीय है और इसके लिए तो सराहनीय है। और यह राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रांत के लिए बहुत आवश्यक है ऐसा सम्मान कि हमारी बालिकाओं में निर्भीकता, साहस और चरित्र निर्माण आए। और यह कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए मैं बाल विकास परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विद्यालय जिस परिसर में हुआ वहाँ के सभी शिक्षक, प्रबंधक सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।